अगर मन में सच्ची लगन और हौसला मजबूत हो तो डगर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सफलता आखिरकार जीवन में प्राप्त हो ही जाती है। हरियाणा के सोनीपत में गांव खेवड़ा की होनहार बेटी शिखा ने बिना कोचिंग से पहले ही प्रयास में HCS की परीक्षा को पास करते हुए 17वां रैंक हासिल कर गांव व परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी जब घर पहुंची तब ग्रामीणों और परिजनों ने उसका स्वागत किया। होनहार बेटी शिखा ने बताया कि उन्होंने अपना लक्ष्य IAS अधिकारी बनना तय किया हुआ है, लेकिन अब उनको ये मुकाम हासिल हो चुका है, आगे की भी पढ़ाई जारी रखेंगे। और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वह प्रतिदिन सोनीपत से रोडवेज की बस में सवार होकर दिल्ली कोचिंग के लिए जाती थी और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वह प्रतिदिन सोनीपत से रोडवेज की बस में सवार होकर दिल्ली कोचिंग के लिए जाती थी और उस दौरान भी वह रास्ते में बस में पढ़ाई जारी रखते हुए किताब पढ़ती थी। अब ये सफलता प्राप्त हुई है तो उन्हें बेहद खुशी है। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है प्रिपरेशन में। जी सर, ग्रेजुएशन के लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही UPSC का रिजल्ट आया था, तो उस दिन मम्मी ने और मेरी सिस्टर हिमानी ने दोनों ने मेरे को मोटिवेट करा कि तेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, यू कैन डू इट। तो फिर तब से ही मैंने स्टार्ट करा अपना NCERTs पढ़ना और उसके बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है और होपफुली UPSC में भी सिलेक्शन होगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि HCS की निकलेंगी, तो फिर मम्मी ने कहा कि इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से देखा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग था, कुछ कुछ चेंजेस थे, तो फिर मैंने HCS पे अपना फोकस शिफ्ट करा और फिर वो प्रीलिम्स हो गया, तो फिर आगे की जर्नी हुई। जी मोस्टली तो ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जो 6 महीने का पीरियड था वो मैंने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करा, उसके बाद से डेली अपडाउन के चक्कर में थोड़ा सा तो स्टडी हैम्पर हुई पर मैनेज हो गया। सर DU में ये था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता था, तो फिर मैं अपना बस में भालगढ़ से बैठते ही बस में अपनी किताबें खोलना शुरू कर देती थी और सारा रास्ता पढ़ती, आते टाइम भी यही, और फिर रात को थोड़ा देर तक पढ़ना, बस 10 बजे तक, उसके बाद अपना सो के सुबह जल्दी फ्रेश उठ के पढ़ना, यही था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।